शास्त्र तो बहुत एक मैं कहूं कि ये हमारा उदाहरण हमेशा रहता है। संसार में शास्त्र को पढ़ के समझने वाले मेरे ख्याल में लाखों में कोई एक होगा, और शास्त्र को समझ के पढ़ने वाले करोड़ों में कोई एक होगा। शास्त्र को पढ़ के समझना और शास्त्र को समझ के पढ़ना प्राय 99.99% कान से सुनी हुई बात के ऊपर विश्वास करते हैं। पढ़ने की तो हमारी ऐसी बीमारी है, नहीं पढ़ते। हम उदाहरण देते हैं सामान्य लोगों के समझाने के लिए। आपने घर में टेलीविजन लिया, आपने फोन लिया, आपने टीवी ली, उसके साथ इतना बड़ा किताब छपा हुआ आया, आपने कभी उसको खोल के पढ़ा? तो क्या कंपनी ने बेकार का खर्चा किया उसके ऊपर, और आपने पैसों का खरीदा फिर भी उसको क्यों नहीं पढ़ा? हमें पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं। ऐसे भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवत गीता दिया, वेद दिया, हम पढ़ते नहीं। लेकिन वो किताब जो उस फ्रिज के साथ आता है, टीवी के, फोन के, वो अलमारी में छुपा के रखते, ताले में रखते। क्यों? बोला गारंटी है, खराब हो गई तो बदल लेंगे। ऐसे हमने ही घर में दबा के भगवत गीता को लाल कपड़े में बांध के रखा है, बाबा मरेगा तब हाथ लगा देंगे, पंडित जी को बुला के पढ़ा लेंगे। पढ़ो, अरे मरने के बाद उसके पढ़ा रहे हो, जीते जी क्यों नहीं पढ़ रहे? शास्त्र को पढ़ने वालों का अकाल पड़ा है दुनिया में। इसलिए भगवान को जानना बहुत आसान होते हुए भी दुर्लभ है। किसी को भी भगवान मानने को तैयार है, लेकिन असली भगवान को नहीं, उसको छोड़ के बाकी सबको मानेंगे भगवान है।